हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले रवा संदूरी की रेसिपी जो कि खानदेश में बहुत ही फेमस है और अक्षय तृतीया के अवसर पर बनाई जाती है। आप इसे बनाकर 15 से 20 दिनों तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। तो आइए हम रेसिपी को शुरुआत कर दें। यहाँ पे मैंने लिया 1 किलो रवा, ये मोटा रवा लिया है मैंने। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे, कलर थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक। हाई फ्लेम पर नहीं भूनना है हमें, इसे मीडियम फ्लेम पर भूनना है। और इसे जब हम इसकी अच्छे से खुशबू पूरे घर में आने लगती है, तब भी हमें समझना है कि ये अच्छे से भून चुका है। इसे हमें बिल्कुल भी कच्चा नहीं रखना है, वरना टेस्ट अच्छी नहीं आएगी आपके संदूरी की। देखिए, अभी इसका कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो ये रेडी है। अब हम इसे साइड में रख कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो 1 किलो रवा लिया था, तो मैंने यहाँ पर 750 ml इतना भैंस का दूध, गाढ़ा दूध लिया है। अब हम इसे उबाल कर थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे, थोड़ा सा इन्हें अच्छे से गाढ़ा कर लेंगे। तो देखिए, अब ये थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, हमें इससे भी ज़्यादा इसे गाढ़ा करना है। इस तरीके से चलाते हुए करना है ताकि ये साइड में और नीचे लग ना जाए। मिक्स करते हुए, लगातार चलाते हुए हमें इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से उबाल लेना है। और इसकी कंसिस्टेंसी अभी देखिए, इस तरीके से हमने इसकी कंसिस्टेंसी रखी है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं। अगर आप इस कंसिस्टेंसी का रखोगे तो इसका टेस्ट एकदम मावा जैसा आएगा। आप इससे पतला भी रख सकते हो। हम इसमें इतना डालने के बाद ऊपर से अगर हमें दूध लगेगा तो वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है रवा, हमारा रवा 1 किलो था, तो उसमें हम पीसी हुई चीनी भी 1 किलो इतनी डालने वाले। जितना रवा था उतनी ही चीनी डालेंगे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा चीनी कर सकते हो। आपको अगर मीठा पसंद है तो ज़्यादा, और फिर अगर कम मीठा पसंद है तो कम भी कर सकते हो। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि दोनों जो हमारे इंग्रेडिएंट्स है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और टेस्ट जो है वो इक्वली आए हमारे इसमें संदूरी में। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो आप प्लीज़ इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिए। ये देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, दोनों भी इंग्रेडिएंट्स हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे जो दूध हमने उबाल लिया था और गाढ़ा कर लिया था वो। तो पूरा दूध हम इसमें एक ही बार डाल लेंगे और उसके बाद हमें ऊपर से और दूध लगने वाला है, इसलिए हमें पूरे 1 लीटर इतना दूध लाना है। पर दूध का जो हमारा प्रमाण है वो कम या ज़्यादा हो सकता है, इसलिए हमें पूरा ये जो हमने 750 ml दूध था वो गाढ़ा कर लिया और ऊपर से हमें दूध लगेगा तो हम इसमें ऐड करेंगे। तो पहले इतना ही दूध हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद ऊपर से हमें अगर दूध लगेगा तो वो डालेंगे। तो देखिए, वो हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और हमें और ऊपर से दूध लगने वाला है, क्योंकि इतने दूध में ये इसका लड्डू नहीं बन रहा है। हमें इसे अच्छे से हाथ में लेने के बाद दबाना है, अगर ये अच्छे से बाइंड होता है तो फिर उतना ही दूध हमें इसमें डालना है। और ये मिक्स करने के बाद हमें इसे रात भर रखना है, तो रात भर रखने में जो हमारा रवा है वो दूध को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि अंदर लेता है और वो दूध जो है हमारा कम हो जाता है। इसलिए हमें इसे अच्छे अभी इसमें ज़्यादा थोड़ा सा दूध डालना है। ये देखो, इस तरीके से ये बाइंड हो रहा है और इसका लड्डू अच्छे से बन रहा है। तो इतने इतने कंसिस्टेंसी का हमें इसे रखना है। अब हम इसे और एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और रात भर इसे अच्छे से एक सेफ जगह पर ढक कर रखेंगे ताकि इसमें चींटियाँ ना लगे। तो अब हम इसे रात भर ढककर रख देंगे। तो देखिए, ये हमारे रवे ने अच्छे से दूध एब्जॉर्ब कर लिया है, हमने इसे रात भर रखा था। अब हम इसमें डालेंगे सूखा हुआ नारियल का कद्दूकस किया हुआ, यानी हमने बारीक किया था नारियल, तो हमने उसमें 1 कटोरी ली थी नारियल की कद्दूकस करके, वो हमने इसमें डाल दिया है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे सारोड़ी, तो सारोड़ी हमने 4 से 5 टेबलस्पून इतना डाला है। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद हमारे संदूरी की टेस्ट बहुत अच्छी आती है। अगर आपको चाहिए तो आप डाल सकते हो, वरना आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हो। ये दोनों चीज़ें डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये दोनों इंग्रेडिएंट्स हमारे मिक्सचर में अच्छे से मिक्स हो जाए। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स और भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि काजू बादाम को बारीक काट कर, वो भी इसमें अच्छे से टेस्ट देते हैं। पर
वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको इसमें और क्या क्या ड्राई फ्रूट्स ऐड करना है। मैंने इतने ही ऐड किए है। अब हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर। तो इलायची पाउडर हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 टीस्पून। इतना इलायची पाउडर डालने से इसका टेस्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए ये स्किप नहीं करना ये प्रोसेस। और हमें और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो हमने इलायची पाउडर डाली है वो एक जैसी इसमें मिक्स हो जाए। अब देखिए हमारे पूरे अच्छे से बैटर जो मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसके छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। पूरे बैटर के हमें एक ही बार लड्डू बना के इसे कपड़े के नीचे ढक के रखना है ताकि इसके ऊपर कोई लेयर ना आए। अगर आप इसे ऐसे ही बनाकर खुला छोड़ दोगे तो इसके ऊपर एक कड़क लेयर आ जाती है। ये देखो इस तरीके से हमने इसके लड्डू बना लिए। आप इसे इसी तरीके से भी खा सकते हो, ये बहुत अच्छे टेस्ट देते हैं। आप इसके लड्डू बनाकर भी रख सकते हो और आप इसे खा सकते हो इस तरीके से भी, ये बहुत अच्छे लगते हैं और टेस्टी भी लगते हैं। तो देखिए हमने इस तरीके से ये लड्डू बना के रख दिया। अब हम इसे ढककर साइड में रख देंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 किलो मैदा। सबसे पहले हम 1/2 किलो ही लेंगे और उसके बाद अगर हमें लगेगा तो और लेंगे। इसमें हमने डाला है 2 टीस्पून इतना घी। घी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसे मोइन देंगे घी का। तो अब हम पहले सबसे पहले मैदा में जो है हमारा घी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे हर एक मैदा के पार्टिकल को घी कोट कर ले। तो अभी हमारा घी अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसमें दूध डालकर इसका आटा लगाएंगे। हमें पानी नहीं यूज़ करना है, हमें दूध यूज़ करना है। तो शुरुआत में आपको ये आटा थोड़ा चिपचिपा बनाना है और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसका एक बहुत ही नरम आटा गूंथना है। कड़क आटा बिल्कुल भी नहीं गूंथना है हमें। इसका ये डो शुरुआत में एकदम चिपचिपा होगा, स्टिकी होगा, पर देखो इस तरीके से हमने इसका बहुत ही नरम आटा गूंथ के रखा है। अब हम आटे से इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे। ये देखो इस तरीके के हमने आटे से लोइयां तोड़ लिया। आप देख सकते हो कि ये बहुत ही स्टिकी है, पर जब हम इसे बेलेंगे तो हम इसके ऊपर और मैदा लगाकर हम बेल लेंगे। ये देखो इसे मोटा नहीं रखना है हमें, इसका थोड़ा पतला ही बेलना है इसको, क्योंकि जो है हमारी ऊपर की कवरिंग जो है थोड़ी सी क्रिस्पी और थोड़ी सी पतली हो। अगर आप मोटा रखोगे तो ये थोड़े दिन बाद वो कड़क हो जाता है ऊपर से और टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो ये देखो ये पूरी हमने जो बेल ली थी वो हमने हाथ पे लिया है और इसके ऊपर अब हम रखेंगे लड्डू जो हमने हमारे रवे के बैटर से बना लिया था वो लड्डू। और जिस तरीके से पूरन पोली को हम बनाते हैं उस तरीके से हम इसको कवर कर लेंगे, पूरी के अंदर इसे हम डाल लेंगे। और बिल्कुल हल्के हाथों से ये प्रोसेस करना है वरना जो है हमारी बाहर की पूरी वो फट जाएगी। तो बिल्कुल धीरे धीरे, आप देख सकते हो कितने नाजुकी से हमें ये काम करना है। तो और जो एक्स्ट्रा का जो हमारा डो रहता है वो हम इस तरीके से निकाल सकते हो आप, या फिर अगर आपको लगता है कि वो कम है तो इस तरीके से दबा कर इसे हाथ पर अच्छे से चिकना कर लेना है। और उसके बाद हम इसे बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है। अगर आप इसे फोर्सफुली या जोर लगाकर बेलोगे तो ये इसमें क्रैक्स आएंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से। और इसे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बेला जाता है, इसे थोड़ा मोटा मोटा ही रखा जाता है। ये ट्रेडिशनल मेथड है इसको बनाने का। तो देख सकते हो बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इसे बेलना है। अगर आप इस पर ज़्यादा ज़ोर लगाओगे तो ये टूट सकती है और अंदर का जो हमारा मिक्सचर है वो बाहर आ जाएगा। तो ये रेडी है देखो। अब हम इसे फ्राई करने से पहले सब बना लेंगे और इसे भी हमें कपड़े के नीचे ढक के रखना है ताकि इसके ऊपर की लेयर जो है वो हार्ड ना हो जाए। तो मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ कि किस तरीके से हमें इसे भरना है। इसे हमें इस अंदर की ओर दबाते हुए बाहर से इस तरीके से इसे पैक करना है हमें। हाथ को अगर आपको लगेगा तो आप आटा लगा सकते हो अगर ये आपके हाथ को चिपक रहा है तो, और एक्स्ट्रा का डो अगर आपको लगे तो इस तरीके से निकाल कर आप साइड में रख सकते हो। ये देखो बिल्कुल हल्के हाथों से करना है ये प्रोसेस और इसे भी हम बेल लेंगे हल्के हाथों से। दोनों साइड से बेलना है हमें, दो दो तीन तीन बार।
और ये रेडी हमारे, ये देखिए हमारे पूरे संदूरी हमने बेल के रख दिए साइड में। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मीडियम हॉट ऑयल में डालना है। ज़्यादा हॉट ऑयल में अगर आप डालोगे तो ये जल्दी से लाल हो जाएंगी, और हमें इसे ज़्यादा देर के लिए ऑयल में नहीं रखना है। सिर्फ इधर दोनों साइड से हल्का हल्का सा इसे फ्राई करना है, देख सकते हो आप। ये देखिए, वरना ये लाल हो जाती है अगर आपका ऑयल ज़्यादा गर्म हो तो। और अब हम इसे साइड में निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से हम सारी संदूरी हमारी फ्राई कर लेंगे। संदूरी बिल्कुल भी ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, इसे हल्का सा ही फ्राई किया जाता है। और इसीलिए यही रीज़न है कि इसे हमें ऊपर की पूरी ये जो पतला बेलना है, ताकि इसे ज़्यादा फ्राई ना करना पड़े और ये ज़्यादा लाल ना हो। तो आप देख सकते हो कि इसी प्रोसेस से मैंने ये संदूरी फ्राई कर रहा हूँ। दोनों साइड से अच्छे से ऊपर से आप तेल डाल सकते हो, ताकि ये ऊपर से भी जल्दी से फ्राई हो जाए। तो अभी हमारी खाने के लिए गर्मा गर्म संदूरी रेडी है। आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। तो ये रेसिपी मेरे मम्मी ने बनाई है। मैं आपको इसी तरीके से मेरे मम्मी के और कई सारे ट्रेडिशनल रेसिपी मेरे चैनल पर बताते रहूँगा।